इस लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में घंटी का बटन भी दबा दीजिए जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हाय गाइज, ये देखिए करते हैं स्टार्ट। आप देखिए जो ये मैं तीसरी वीडियो डाल रहा हूँ, ये भी एक तरह से जो फंक्शन चैप्टर है उसी का बेस है। फंक्शन को बहुत अच्छे से समझने के लिए मैं बिल्कुल उसको बेस से लेकर चल रहा हूँ, जिससे फंक्शन को समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आए। यहाँ फंक्शन से मतलब ये है कि टाइप ऑफ फंक्शन, कई प्रकार के फंक्शन होते हैं, पैरामीट्रिक फंक्शन कम और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मैक्सिमा मिनिमा और इधर ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, टेंजेंट एंड नॉर्मल, डिफ्रेंसिएशन, इंटीग्रेशन, इन सभी पे कमांड करने के लिए हमें फंक्शन बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। और फंक्शन को समझने के लिए कुछ बेसिक है वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिक के क्रम में मैं पहली दो वीडियो डाल चुका हूँ, अब ये तीसरी वीडियो में डाल रहा हूँ। ये भी एक तरह से जो फंक्शन है उसका बेसिक है और इसमें मैं आपको सेट की थोड़ी जानकारी शॉर्ट फॉर्म में दूंगा। तो सबसे पहले है कि सेट क्या होता है, चलिए समझते हैं सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट सेट टू बी सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट सेट टू बी सेट। अब देखिए विभिन्न सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह या समूह या ग्रुप या झुंड भी हम कह सकते हैं को हम समुच्चय कहते हैं। समुच्चय को हम करली ब्रैकेट ये इस तरह इसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं और इसके अंदर जो कुछ भी लिखते हैं वो कहलाते हैं इस समुच्चय के एलिमेंट या तत्व। जैसे मैंने लिखा ए बी सी, तो यहाँ ए बी सी जो कहलाएंगे वो इस समुच्चय के तत्व कहलाएंगे और इसके इक्वल में हम कैपिटल ए बी सी डी या कुछ भी हम ले सकते हैं। तो एक बार फिर ध्यान दें, तो विभिन्न सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं, या द कलेक्शन ऑफ ऑल वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट सेट टू बी सेट। अब देखिए इसमें एक वर्ड आ रहा है सुपरिभाषित वेल डिफाइंड, इसको समझे, यानी कि जब भी हम समुच्चय बनाएंगे तब भी कोई सेट लिखेंगे तो उसके अंदर जो एलिमेंट है उनका सुपरिभाषित होना जरूरी है, यानी कि जब तक उनमें परिभाषित नहीं होंगे तब तक हम उसको सेट के रूप में नहीं ले सकते। तो उनका सुपरिभाषित होना जरूरी, यानी ये मालूम होना चाहिए कि उसके अंदर जो एलिमेंट है वो किस टाइप के हैं। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रियल नंबर। जैसे मैं ये कहूँ आई, क्या होता है सेट ऑफ इंटीजर, तो डेफिनेट डिफाइंड हो गया कैसे सेट है, इंटीजर के सेट है। तो सेट ऑफ इंटीजर को हम ऐसे लिखते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये कहलाता है सेट ऑफ इंटीजर। और दूसरा है फिर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से लिखते हैं, ये वन से स्टार्ट होता है 1, 2, 3, 4, 5, ये इस तरह से। तो जो भी एलिमेंट्स हैं वो डिफाइन होने, परिभाषित होने बहुत ज़रूरी है। जब ये परिभाषित होंगे तभी हम इनको सेट के फॉर्म में लिख सकेंगे। इसी तरह सेट ऑफ रियल नंबर, तो सेट ऑफ रियल नंबर में क्या होते हैं, सब हो जाते हैं, कौन कौन से, रेशनल, रेशनल और इंटीजर, ये जो कहलाते हैं रियल नंबर कहलाता है। और एक है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर को हम या तो जेड पॉजिटिव लिख दो या आई पॉजिटिव लिख दो, तो या सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर एक ही बात है, दोनों में से हम कुछ भी ले सकते हैं। इसी तरह से सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर, तो नेगेटिव इंटीजर ये वाला कहलाया यहाँ से यहाँ तक का, यानी -3, -2, -1 कहलाएगा सेट ऑफ इंटीजर। एक बात और देखिए, ये जो सेट होता है इनको लिखने की दो विधियां हैं, दो विधि से हम लिख सकते हैं। जो मैंने जितने भी ये फॉर्म लिखे हैं वो कहलाते हैं रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। क्या कहलाते हैं ये, रोस्टर रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें क्या होता है, इसमें हमें एलिमेंट की करेक्टरिस्टिक बतानी पड़ती है, उसकी प्रॉपर्टी बतानी पड़ती है कि वो किस टाइप का। अब देखिए सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म को कैसे लिखते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। ये तो कहलाती है रोस्टर फॉर्म, जितने भी मैंने अभी तक लिखे हैं ये सब कहलाते हैं रोस्टर फॉर्म, या टेबुलर फॉर्म भी बोल देते हैं इसको, या रोस्टर फॉर्म भी बोल देते हैं। अब
ये हो गया। अब देखिए सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म में जैसे मान लीजिए हमें नेचुरल नंबर ही लिखने हैं, एन का सेट लिखना, तो हम पहले लिखाएंगे ये और यहाँ लिखते हैं ये, इसे बोलते हैं सच डैट, या एक लाइन भी बोल देते हैं इसको, इसे बोलते हैं लकीर, या कोलन भी बोल देते हैं इसको, कोलन कोलन बोल दो, या हिंदी में बोलते हैं लकीर, या ये पॉइंट लगा दें, इसे बोलते हैं सच डैट। तो दोनों में से हम कोई सा यूज कर सकते हैं, या ये वाला या ये, इसको कोलन बोलते हैं और इसको बोलते हैं सच डैट। अब उसके बाद यहाँ पर उसका हम प्रॉपर्टी लिख देंगे, यानी एक्स बिलोंग्स टू एन, जहाँ एन नेचुरल नंबर है, जहाँ एन प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, या इसे ये भी ले सकते हैं एक्स कोलन एक्स बिलोंग्स टू एन, वे एन ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। तो ए जो फॉर्म कहलाती है, ये कहलाती है सेट विल्डर फॉर्म। कौन सी फॉर्म कहलाती है? सेट विल्डर फॉर्म। तो समुच्चय को लिखने के दो तरीके, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, और दूसरा सेट विल्डर फॉर्म। सेट विल्डर फॉर्म में हम इस तरह लिखेंगे एक्स बिलोंग्स एक्स कोलन एक्स बिलोंग्स टू एन, वी आर एन इज नेचुरल नंबर, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ देखिए ये लिख दिया मैंने, यहाँ लिख देता हूँ एक्स कोलन एक्स बिलोंग इक्वल टू एन, जहां एन एन एक प्राकृतिक संख्या है, जहां एन एक प्राकृतिक संख्या है। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं सेट को लिखने के दो तरीके हैं, एक तो है ये वाला रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। इन दोनों में से हम किसी के द्वारा भी लिख सकते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या हमें उसकी करेक्टरिस्टिक्स, यानी उसकी क्या गुण है, वो किस टाइप का, वो हमें लिखना पड़ता है। जैसे ये एक्स कोलन एक्स बिलोंग्स टू एन, वी आर एन इज द नेचुरल नंबर, या ऐसे लिख सकते हैं एक्स कोलन एक्स इक्वल टू एन, जहाँ एन एक प्राकृतिक संख्या है। तो हम किसी भी तरीके से हम इसको डिनोट कर सकते हैं, बस उसका हमें गुण मालूम होना चाहिए। और ये मैं इससे पहले वाली वीडियो में नंबर्स पे मैं पूरी वीडियो डाल चुका हूँ। एन कहलाता सेट ऑफ नेचुरल नंबर, आई कहलाता सेट ऑफ इंटीजर, आर कहलाता सेट ऑफ रियल नंबर, और क्यू कहलाता सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो ये हमें आगे यूज करेंगे, जरूरत पड़ेगी। अब चलते हैं आगे, टाइप ऑफ सेट। अब टाइप ऑफ सेट में सबसे पहला आता है नंबर एक एम्प्टी सेट। कैसा सेट? एम्प्टी सेट, या इसको हम नल सेट भी बोल देते हैं, और इसको हम अवॉइड सेट भी बोल देते हैं, अवॉइड सेट। अब देखिए क्या होता है एम्प्टी सेट, हिंदी बोलते हैं इसको रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय। अब ये क्या होता है एम्प्टी सेट, या नल सेट, या अवॉइड सेट, ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, यानी खाली हो, उसे हम रिक्त सेट या एम्प्टी सेट कहते हैं। ए सेट सेट टू बी एम्प्टी सेट इफ इट नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, जैसे या हम इसको फाइव से, इसको या तो हम इसे कर्ली ब्रैकेट से, या इसको हम फाइव से डिनोट करते हैं। अगर कहीं पे हमने ऐसा लिख दिया तो दिस इज नॉट एम्प्टी, ठीक है, तो इस तरह नहीं लिखना, इसको अलग अलग या तो इससे लिख देंगे, या इस तरह से अगर लिखा है हम कहते हैं उसको एम्प्टी सेट। उसके बाद है नंबर टू सिंगल टर्म सेट, सिंगल टर्म सेट। सिंगल टर्म सेट क्या होता है, या इसको बोलते हैं एकल समुच्चय, तो नाम से क्लियर है सिंगल टर्म यानी कि एकल का मतलब एक, तो ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक एलिमेंट हो उसे हम सिंगल टर्म सेट या एकल समुच्चय कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये लिख दिया, ये देखिए इधर ध्यान देना, इसको हम एकल समुच्चय कहेंगे, रिक्त समुच्चय नहीं कहेंगे, या ऐसे लिख सकते हैं, या इसको हम ऐसे ले सकते हैं। तो ये सब जिसमें अगर ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक एलिमेंट हो उसे हम एकल समुच्चय कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है थर्ड फाइव
finite set or infinite set. यानी निश्चित समय समुच्चय और अनिश्चित समुच्चय, ऐसा बोलते हैं निश्चित समुच्चय, निश्चित समुच्चय, और इसको बोलेंगे अनिश्चित समुच्चय। तो निश्चित समुच्चय क्या होता, अनिश्चित समुच्चय क्या होता, अब देखिए समझेंगे। तो निश्चित समुच्चय और अनिश्चित समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या गिनी जा सके, ए सेट सेट टू बी फाइनाइट सेट इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट आर काउंटेबल, यानी किसी समुच्चय में अगर हम अवयव की संख्या गिन सकते हैं तो कहलाता है निश्चित समुच्चय या फाइनाइट सेट, और अगर हम किसी समुच्चय में अवयव की संख्या गिन नहीं सकें तो उसे कहते हैं हम अनिश्चित समुच्चय या इनफाइनाइट सेट। जैसे यहाँ लिखा ए आई ओ यू, ए आई ओ यू ई, ये तो इसमें देखिए हम नंबर ऑफ एलिमेंट गिन पा रहे हैं 1 2 3 4 5, तो जब हम इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हम काउंट कर पा रहे हैं तो उसे हम कहेंगे फाइनाइट सेट। और मैंने एक ये लिख दिया, तो इसमें क्या लिखा 1 2 3 4 5, आगे लिखा डॉट डॉट, यानी इसमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट नहीं कर पाएंगे कि आगे कितने एलिमेंट हैं। तो जिसमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट नहीं कर पाएँ, गिनती नहीं कर पाएँ, उसे कहते हैं इनफाइनाइट सेट। और अगर हम किसी सेट में एलिमेंट्स की संख्या गिन लेते हैं कि कितने एलिमेंट्स हैं उसके अंदर, उसे हम कहते हैं फाइनाइट सेट। एक होता है इक्वल सेट और एक अनइक्वल सेट। तो इक्वल सेट ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या सेम हो, यानी इक्वल हो, उसे हम इक्वल सेट कहते हैं, और जिसमें अवयव की संख्या इक्वल ना हो उसे हम अनइक्वल सेट कहते हैं। जैसे देखिए ये हमारे पास समुच्चय है 1 2 3 4, और एक दूसरा समुच्चय है हमारे पास 1 2, ऐसा लिखा मैंने इसको 1 3 2। अब देखिए यहाँ पे पहले में भी एलिमेंट वही है, दूसरे में भी एलिमेंट वही है, ऑर्डर चेंज हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो समुच्चय ए और बी दोनों ही जो सेट कहलाएंगे वो इक्वल सेट कहलाएंगे। और अगर मैं बी यू लिखूं, इसमें देखिए एक एलिमेंट ऐसा है जो इसके अंदर नहीं है, तो ये ए और बी जो कहलाएंगे वो अनइक्वल सेट कहलाएंगे, और ए और बी जो कहलाएंगे वो इक्वल सेट कहलाएंगे। एक बात और बता दें, देखिए समुच्चय में हम किसी भी एलिमेंट को कितनी बार लिख लें लेकिन काउंट जो होगा वो एक ही बार होगा। जैसे मैंने ए लिखा यहाँ पे 1 2 3 4 3 2 1, अब मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर एलिमेंट बताइए, तो एलिमेंट जो होंगे वो देखिए एक क्या है, इसमें जो रिपीट हो रहा है वो एक ही बार गिनेंगे, यानी 1 2 3 और ये 4, कितने एलिमेंट हैं 4 एलिमेंट। तो एलिमेंट्स को हम इस तरह लिखते हैं, एन का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, ऐसे ही इसमें लिखना होगा एन बी कितना होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी 1 2 3 4, इस तरह इसको लिखेंगे एन बी थ्री, ठीक है। तो किसी भी सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो चाहे कितनी बार रिपीट हो रहा है, कितनी बार लिखा जा रहा है, काउंट केवल एक ही बार होगा, और इसमें कोई भी एलिमेंट हम कितनी बार लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एलिमेंट्स के शो करने के लिए पीछे हम एन लगाते हैं, जैसे ए हमने लिखा है एक्स वाई जेड यू, अब मुझे जो निकालना है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना सेट ए में, तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में 1 2 3 4 5, ऐसे लिखेंगे। क्या बोलेंगे इसको, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू 5, यानी समुच्चय ए में अवयव की संख्या 5। ये सब देखिए नेक्स्ट है सबसेट। अब देखिए सबसेट क्या होता है, इसे हिंदी बोलते हैं उप समुच्चय। सबसेट क्या होता है, ये हमारे पास कोई सेट है, मान लीजिए 1 2 3 और 4, और बी हमारे पास एक दूसरा सेट है 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो तब हम इसे लिखते हैं ए इज ए सबसेट ऑफ बी, यानी अगर ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव हो, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के भी अवयव हो, तो उसे हम कहते हैं ए इज ए सबसेट ऑफ बी, यानी ए के प्रत्येक एलिमेंट समुच्चय बी में उपस्थित हो,
तो हम उसे कहेंगे तो ए जो है वो बी का उपसमुच्चय है। पढ़ेंगे कैसे, ये सबसेट ऑफ बी, ए का प्रत्येक एलिमेंट समुच्चय बी के भी एलिमेंट हों, यानी बी में भी वो उपस्थित हों, उसमें ज़्यादा हो सकते हैं, बराबर भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो एलिमेंट हैं वो इसके बराबर या इससे ज़्यादा ही होंगे, तो हम इसे कहते हैं सबसेट या उपसमुच्चय। पढ़ते कैसे हैं, ये सबसेट ऑफ बी, एक बार फिर समझें, ए कोई हमारे पास सेट है और बी कोई दूसरा सेट है, अगर ए के सारे अवयव बी में उपस्थित है तो हम उसे बोलते हैं ए इज ए सबसेट ऑफ बी, यानी ए जो है वो बी का उपसमुच्चय है। अब नेक्स्ट है, इसी में एक होता है प्रॉपर सेट, प्रॉपर सेट, और दूसरा होता है सुपर सेट। अब देखिए ये क्या होता है, प्रॉपर सेट और सुपर सेट क्या होता है, प्रॉपर सेट, अब इसमें अगर ऐसा ए इज ए सबसेट ऑफ बी ऐसे, तो प्रॉपर सेट को हम इस सैंपल इसमें ये नहीं लगाते, नीचे की लगाते हैं, तो इसे बोलते हैं ए इज ए प्रॉपर सेट ऑफ बी। अब डेफिनेशन क्या, बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो ए में ना हो, बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो ए में ना हो, उसे हम बोलते हैं ए इज ए प्रॉपर सेट ऑफ बी, हमें बोलते हैं ए जो है बी का उचित और समुच्चय है, क्या बोलते हैं, ए जो है बी का उचित और समुच्चय है, यानी ए इज ए प्रॉपर सेट ऑफ बी। और अगर ऐसा हो, यानी कि ए में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो बी में ना हो, ए में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो बी में ना हो, तो उसे हम बोलते हैं ए इज ए सुपर सेट ऑफ बी, इसे क्या बोलेंगे, ए इज ए प्रॉपर सेट ऑफ बी, और इसे बोलेंगे ए इज ए सुपर सेट ऑफ बी। हिंदी में बोलेंगे इसको ए जो है वो बी का उचित उपसमुच्चय है, इसको बोलेंगे ए जो है बी का अधि उपसमुच्चय है, क्या बोलेंगे, ए बी का अधि उपसमुच्चय है, ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ पर ए है हमारे पास 1 2 3 और बी है हमारे पास 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पे जो है क्या है, बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो ए में नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, इसे बोलेंगे ए इज ए प्रॉपर सेट ऑफ बी। अब अगर ऐसा है 1 2 4 और दूसरा बी है हमारे पास 1 और 4, तो यहाँ पे देखिए ए में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो बी में नहीं है, कौन सा वाला, ये वाला, तो हम इसे बोलेंगे ए इज ए सुपर सेट, क्या बोलेंगे इसको, ए इज ए सुपर सेट ऑफ बी, अंडर फाइंड द सबसेट सबसेट ऑफ एनी सेट, यानी कि किसी समुच्चय में उपसमुच्चय ज्ञात करना, फाइंड द सेट सबसेट ऑफ एनी सेट, यानी किसी भी सेट के सबसेट निकालना। आप देखिए कैसे निकालते हैं, जरा समझेंगे, जैसे मान लीजिए ए हमारे पास है 1 और 2, अब हमें ए के सबसेट निकालना है, ठीक है, तो सबसेट ऑफ ए, तो क्या होंगे, इसमें जितने भी पॉसिबल हैं वो सब निकाल लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक है 1, अब दूसरा कितना है, ठीक है, और एक जब कुछ नहीं हो एक है जाएगा 1 और 2, तीसरा हो जाएगा 5, तो जितने भी पॉसिबल सेट होते हैं उन सबको हम बोलते हैं सबसेट, ठीक है। ऐसी मान लीजिए ए में है 1 2 3, तो सबसेट ऑफ ए क्या होगा, एक होगा 1, दूसरा 2, तीसरा 3, और फिर क्या होगा, मतलब जितने पॉसिबल हैं सब लिख दीजिए लेकिन कोई रिपीट ना हो, 1 2 3 2 और 1 2 3 और 1 2 3 4 5 6 और क्या हुआ, 1 हो गया 1 2 हो गया 2 3 3 1 रह गया, 3 1 3 1 लिख दो या 1 3, बात ये इसमें आगे पीछे लिख सकते हैं, और लास्ट का होगा 5। तो अब देखिए इसके अंदर जब दो एलिमेंट थे तो नंबर ऑफ एलिमेंट आ गए 4, तो 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, जब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे, 3 थे, तो इसमें कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि आ गए 2 की पावर 3। तो हम ये भी कह सकते हैं कि किसी समुच्चय में उप समुच्चयों की संख्या जो होती है वो 2 की पावर n होती है, जहाँ n जो होता है समुच्चय में अवयवों की संख्या होती है, यानी नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एनी सेट इक्वल टू 2 की पावर n, वेयर n इज द एलिमेंट ऑफ एनी सेट, यानी n जो होता है समुच्चय में अवयवों की संख्या होती है,
जैसे मान लीजिए किसी में लिखा है a = 1, 2, 3, 4, तो सबसे पहले लिखा मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट इन साइड ए, कितने हो गए 1, 2, 3, 4, यानी 4 हो गए। अब इसमें सबसेट की संख्या कितनी हो गई, 2n यानी 2 की पावर 4, 2 × 4 = 8 × 16, तो कितने हो गए, यानी कि इसके जो सबसेट है उसमें हम 16 एलिमेंट हो गए। हम ये कह सकते हैं किसी भी समुच्चय में उप समुच्चयों की जो संख्या होती है वो 2n होती है, n होता है अवयवों की संख्या। तो बताते हैं देखिए पावर सेट, पावर सेट हिंदी बोलते हैं इसको घात समुच्चय, घात समुच्चय। अब क्या होता है देखिए घात समुच्चय जैसे समझेंगे, ए मान लीजिए हमारे पास कोई सेट है ए और दो एलिमेंट है, हम निकालेंगे पहले सबसेट, सबसेट ऑफ ए। तो सबसेट ऑफ ए क्या होंगे, जितने पॉसिबल सेट बन सकते हैं वो सभी कहलाते हैं सबसेट। अब वो क्या क्या बन सकते हैं, ये देखिए ये बन सकते हैं, तो ये क्या होगा इसके सबसेट हो गए। तो पावर सेट, पावर सेट ऑफ ए, तो पावर सेट ऑफ ए को हम इस तरह के लिखते हैं पी ए, क्या बोलेंगे इसको पावर सेट ऑफ ए। तो ये बन जाता है जो अभी हमने समुच्चय निकाले उन सबका समुच्चय, यानी कि 1, 2, 1, 2 और ये 5। हम जरा इसको समझेंगे, देखिए पावर सेट क्या होता है, किसी समुच्चय के उप समुच्चयों का समुच्चय, किसी समुच्चय के उप समुच्चयों का समुच्चय, ये कहलाता है पावर सेट कहलाता है। तो ये द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एनी सेट सेट टू बी पावर सेट, बार फिर ध्यान देंगे द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एनी सेट सेट टू बी सबसेट, यानी किसी समुच्चय के उप समुच्चयों का समुच्चय, किसी समुच्चय के उप समुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एनी सेट सेट टू बी पावर सेट। चलते हैं यूनिवर्सल सेट या समष्टीय समुच्चय, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट क्या होता है अब देखिए समझेंगे, इसे बोलते हैं समष्टीय समुच्चय, समष्टीय समुच्चय, ठीक है। अब क्या होता है जरा समझेंगे, ऐसा समुच्चय जिसमें ब्रह्मांड के सारे अवयव उपस्थित हैं उसे हम समष्टि समुच्चय कहते हैं, या ऐसा समुच्चय जिसमें विचारधीन समुच्चयों के सारे अवयव उपस्थित हों उसे हम समष्टि समुच्चय कहते हैं, या ए सेट होल्ड ऑल सेट ऑफ गिवन सेट सेट टू बी यूनिवर्सल सेट, यानी कि ऐसा सेट जिसमें दिए गए सेट के सारे एलिमेंट उपस्थित हों और उसमें एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं उसे हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। जैसे मान लीजिए ए है हमारे पास 1, 2, 3 और बी है हमारे पास 1, 2, 5 और सी है 1, 5, 8, तो ऐसा सेट जिसमें दिए गए समुच्चयों के सारे अवयव उपस्थित हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 और एक्स्ट्रा भी हो, तो ऐसा समुच्चय जिसमें दिए गए समुच्चयों के सारे अवयव उपस्थित हों और अतिरिक्त भी हो सकते हैं उसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। ए सेट सेट टू बी यूनिवर्सल सेट इफ इट कंटेन ऑल एलिमेंट ऑफ गिवन सेट, ठीक है। तो ऐसा समुच्चय जिसमें दिए गए समुच्चयों के सारे एलिमेंट उपस्थित हों और एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट या समुच्चय समुच्चय। तो इसको हिंदी में ऐसे ही कहेंगे, ऐसा समुच्चय जिसमें विचारधीन समुच्चयों के सारे अवयव उपस्थित हों तो उस समुच्चय को हम कहते हैं समुच्चय समुच्चय। कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट, तो कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है जरा समझेंगे, इसको पूरक समुच्चय हिंदी बोलते हैं इसको पूरक समुच्चय। तो कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है, जैसे मान लीजिए यू कोई हमारे पास यूनिवर्सल सेट है और इसके अंदर एलिमेंट मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 है, और ए कोई हमारे पास दूसरा सेट है इसके अंदर मान लीजिए एलिमेंट 1, 2, 3 है, तो तब हम
कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इक्वल टू हो, डिनोट करते हैं डैश ला के ऊपर, या बार भी लगा देते हैं इसको, ऐसे भी कर देते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, या इसको ऐसे भी ले सकते हैं, ए की पावर सी, दोनों में, तीनों में से कोई भी आप डैश भी लगा सकते हो, बार भी या सी भी। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होता है, यू माइनस ए। अब देखिए डेफिनेशन समझिए, यूनिवर्सल सेट के वे एलिमेंट जो गिवन सेट में ना हो, यानी समुच्चय समुच्चय के वे अवयव जो दिए गए समुच्चय में उपस्थित ना हो, उसे हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट कहते हैं। यानी कि ये होगा यू का कौन सा अवयव ऐसा जो इसमें नहीं है, चार और पाँच, तो ये कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। क्या कहते हैं इसको, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, यानी ऐसा समुच्चय, यानी कि समुच्चय समुच्चय के वे अवयव जो ए में उपस्थित ना हो, उसे हम कहते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल सेट के वे एलिमेंट जो सेट ए में ना हो, यूनिवर्सल सेट के वे एलिमेंट जो ए में ना हो, उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट सेट। अब उसके बाद बताता हूँ मैं डिफरेंस ऑफ ए सेट, डिफरेंस ऑफ ए सेट। अब देखिए डिफरेंस क्या होता है, अंतर समुच्चय, अंतर समुच्चय। ये हमारे पास कोई समुच्चय है, वन टू थ्री फोर, और बी कोई हमारे पास दूसरा समुच्चय है, फाइव सेवन। अब अंतर समुच्चय क्या होता है जरा समझेंगे, ए के वे एलिमेंट जो बी में उपस्थित ना हो, ए के वे एलिमेंट जो बी में उपस्थित ना हो, ए बी का अंतर कहलाते हैं। तो इसका कौन सा एलिमेंट ऐसा जो इसमें नहीं है, ए बी है, टू बी है, एक तो थ्री नहीं है और फोर नहीं है, क्या आ गए थ्री और। अब समझे जरा दोबारा, ए के वे एलिमेंट जो बी में उपस्थित ना हो, ए के वे एलिमेंट जो बी में उपस्थित ना हो, उसे हम बोलते हैं ए बी का अंतर समुच्चय। यानी ए के वे एलिमेंट जो बी में प्रेजेंट नहीं है, ए के वे एलिमेंट जो बी में प्रेजेंट नहीं है, तो कहलाते हैं ए और बी का अंतर, या ए बी का डिफरेंस, ठीक है। यस, अब हम बताते हैं आगे यूनियन। यूनियन देखिए क्या होता है, देखिए यूनियन और इंटरसेक्शन क्या होता है इसको समझेंगे। यूनियन और इंटरसेक्शन, यूनियन को बोलते हैं संग समुच्चय, संग, और इंटरसेक्शन को उभयनिष्ठ। अब जरा समझेंगे सर, यूनियन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है। ए मान लीजिए हमारे पास सेट है वन टू थ्री फोर, और बी हमारे पास दूसरा सेट है टू थ्री फाइव और सेवन ले लीजिए। तो अब क्या जरा ध्यान से समझेंगे, ऐसा समुच्चय जिसमें दिए गए समुच्चय के सारे एलिमेंट आ जाएं लेकिन कोई रिपीट ना हो, तो ऐसा समुच्चय जिसमें दिए गए समुच्चय के सारे एलिमेंट आ जाएं लेकिन कोई रिपीट ना हो, जैसे वन टू थ्री फोर फाइव सेवन। तो ऐसा समुच्चय जिसमें दिए गए समुच्चयों के सारे एलिमेंट आ जाएं, तो ए सेट कंटेन ऑल एलिमेंट ऑफ गिवन सेट, सेट टू बी यूनियन ऑफ गिवन सेट। यानी ऐसा समुच्चय जिसमें दिए गए समुच्चयों के सारे एलिमेंट आ जाएं लेकिन कोई रिपीट ना हो, दूसरा हम कहते हैं दिए गए समुच्चयों का यूनियन। देखिए इसमें ए और बी के सारे आ जाएंगे लेकिन कोई रिपीट ना होगा, एक होता है इंटरसेक्शन। हाँ एक बात और बता दें, यूनियन में और यूनिवर्सल में बस इतना अंतर है कि यूनियन में क्या होता है, दिए गए सेट के ही एलिमेंट आते हैं लेकिन कोई रिपीट नहीं होता है। और इसी का अगर मैं यूनिवर्सल की बात करूँ तो यूनिवर्सल सेट में क्या होता है, दिए गए एलिमेंट के तो एलिमेंट आते ही हैं, दिए गए सेट के एलिमेंट तो आते ही हैं और उसके अलावा एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। और दिए गए सेट के एलिमेंट हो लेकिन कोई रिपीट ना हो, तो उसे हम कहते हैं दो समुच्चयों का यूनियन, ठीक है, दो सेट का यूनियन। अब दूसरा होता है इंटरसेक्शन, देखिए क्या होता है, तो नाम से ही क्लियर है इंटरसेक्शन, उभयनिष्ठ यानी कॉमन। तो ए बी में जो कॉमन एलिमेंट होते हैं उसे हम कहते हैं ए बी का इंटरसेक्शन। तो देखिए कॉमन एलिमेंट कौन कौन से, एक तो टू है और एक थ्री है और बस कुछ, तो ये कहलाएगा इंटरसेक्शन। यानी ऐसा समुच्चय जिसमें दिए गए समुच्चयों के उभयनिष्ठ अवयव उपस्थित हों, उसे हम कहते हैं ए बी का इंटरसेक्शन, यानी कॉमन एलिमेंट हो। तो ऐसा समुच्चय जिसमें दिए गए समुच्चयों के कॉमन एलिमेंट हों, उन्हें हम कहते हैं ए बी का इंटरसेक्शन।